Hello everyone, today we are going to start with the chapter The Address from Snapshot, written by Marga Minku. Before I start the chapter line-to-line explanation, I just want to tell you something about the author. The Address, about the author. Marga Minku is the pseudonym. Pseudonym means kya hota hai beta? Pseudonym matlab hota hai pen name. That means a name used by somebody, especially a writer, instead of her real name. कि जब कोई writer या कोई poet अपने real name की में जाए, कोई pen name को use करे, उसको क्या कहते हैं? Pseudonym कहते हैं, ठीक है? तो उनका real name क्या है? Marga Minku का real name क्या है? Sarah Minku, okay? She was born on 31st March 1920 in Southwest Netherlands. कब बॉर्न हुई वो 31st मार्च 1920, राइट. शी इज़ डच जर्नलिस्ट एंड राइटर. वो डच जर्नलिस्ट रही और राइटर भी रही. हर एक्चुअल सरनेम वॉज मिनको, बट एन ऑफिशियल एक्सीडेंटली स्विस्ड द फर्स्ट वॉवल आई टू ई. जो ये जो आई है, जो ई है ना, ये आई में कन्वर्ट हो गया. ये ऑफिशियली एक्सीडेंटली हुआ था, राइट. In 1938, she began work at a local newspaper. तो 1938 में उन्होंने स्टार्ट किया एक लोकल न्यूज़पेपर में वर्क करना, द ब्रिडेज क्वाड्रेंट, एज अ फिल्म रिपोर्टर. बट लेटर ज्वाइंड द एडिटोरियल डेस्क. लेकिन बाद में वो एक अच्छी पोस्ट पर एडिटोरियल डेस्क तक पहुंच गई. बट एज अ रिजल्ट, किस चीज़ का? कि वो क्या ज्यूस थी. तो इसका क्या रिजल्ट रहा? कि एज अ रिजल्ट ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ ज्यूस, ज्यूस के वजह से कि वो ज्यूइश फैमिली में बॉर्न हुई थी, शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हर पोस्ट एंड वेंट टू एम्स्टर्डम. बेटा वो अपनी पोस्ट से चली गई, ठीक है. वो पोस्ट उनसे, उन्हें छीन ली उनसे पोस्ट, और फिर वो एम्स्टर्डम में चली गई, जहाँ पर वेयर शी बिकेम अ ड्राइंग टीचर, जहाँ पर वो एक ड्राइंग टीचर बनी एट अ ज्यूइश एलिमेंट्री स्कूल, राइट. आफ्टर दैट लेटर इन द वॉर. अब देखो, वॉर में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि क्या है ये स्टोरी. बेटा ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक स्टोरी जो इसका बैकग्राउंड है वो स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर टू. और वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक था? 1939 to 1945. ओके, ये वर्ल्ड वॉर टू चला था, ठीक है. तो अब इसमें होता क्या है इस वर्ल्ड वॉर टू में, कि जो वॉर हो रहा है, हुई थी, ठीक है, इसमें होलैंड वॉर हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू डेज में हुई थी, ठीक है. वर्ल्ड वॉर सेकंड में होलैंड वॉर हुई थी, और ये कब हुई थी? इट वाज इन 1940, मींस 1940 में, ठीक है, होलैंड वॉर हुई थी. और दैट द जर्मन इन्वेट होलैंड. तो जर्मन ने क्या किया था? होलैंड को अपने कब्जे में कर लिया था. एंड ऑक्यूपाइड इट आफ्टर अ फाइट्स, फाइटिंग भी, लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी उसको ऑक्यूपाइड उसको कर लिया. तो जर्मन मूव्स वॉज सडनली हुआ था, कि वो सब संभाल नहीं पाए अपने आप को, बहुत स्पीड से किया उन्होंने, और अनएक्सपेक्टेड था. किसी को मतलब ये उम्मीद नहीं थी, और किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. तो होलैंड वॉज फोर्स टू सरेंडर, और इस वजह से क्या हुआ, जो होलैंड है उन्होंने क्या किया, जर्मन सोल्जर्स के आगे सरेंडर कर दिया. अब ये जो सरेंडर करने के बाद क्या हुआ, तो जो डच ज्यूज़ हैं वर मर्सली बीटन बिटवीन कब कब, 1940 to 1941. ये जो एक साल है 42-41 में, इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए ज्यूज पर. क्या हुआ इनके बेटा, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किनकी, ज्यूज की, मींस देयर प्रॉपर्टीज़ वर सोल्ड टू द नॉन ज्यूज. नॉन ज्यूज जो थे उनको, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सोल्ड कर दिया गया, ठीक है, बेच दिया गया. द मास अरेस्ट ऑफ द ज्यूज बिगेन इन 1941, और बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुए 1941 में. और लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज नेवर रिटर्न, और बहुत सारे वापस नहीं आए. बहुत सारे अनएम्प्लॉयड ज्यूज मैन थे जो कि
कहाँ भेज दिए गए, सेंड टू द नाजिक कंसेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए गए। और वहाँ पर कंसेंट्रेशन कैंप बहुत अच्छे से आप पढ़ा होगा आप लोगों ने टेंथ तक SST में, तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था। तो लाइफ फॉर डच पीपल वॉज बिकमिंग हार्डर। फैमिलीज ऑफ ज्यूज लेफ्ट फॉर प्लेसेज ऑफ सेफ्टी। बाई द मिडल ऑफ 1944 एवरीथिंग वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, मीन्स कि सब कुछ कम होता चला गया था, मीन्स पब्लिक सर्विसेज ब्रॉक डाउन हो गई थी, देर वॉज नो ट्रांसपोर्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड नो टेलीफोन सर्विस। तो बहुत सारी डेथ तब हुई थी, राइट? ये तब की कहानी है। तो उन्हीं में एक मार्गा मिनको और उनकी मदर थी, राइट? तो जो उनकी मदर है वो तो इस में उनकी डेथ हो गई थी, जो नैरेटर है वो उनकी वो बच गई थी, वो हाइड हो गई थी, वो छिप गई थी, तो इस तरीके से वो तो बच गए थे, राइट बेटा? तो आगे यही लिखा हुआ है कि लेटर इन द वॉर मिनको'स पेरेंट्स, हर ब्रदर एंड हर सिस्टर वर डिपोर्टेड, बट सारा एस्केप्ड अरेस्ट एंड स्पेंड द टाइम व्हेन द वॉर वॉज ऑन इन हाइडिंग। जब तक वॉर चलती रही वो छिपी रही, एंड शी वॉज द फैमिलीज सोल सर्वाइवर, सिर्फ वही थी जो बची थी और कोई भी उनकी फैमिली में नहीं बचे थे, राइट बेटा? इसके बाद देखना कि जो मिनको वॉज इंस्पायर्ड बाई हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वॉर। तो ड्यूरिंग द वॉर मिनको जो है, नैरेटर जो है अपनी, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी, ठीक है, अपने उन एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर एक्सपीरियंस्ड किया, ठीक है, अनुभवों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट नावल लिखी। उनका नाम क्या है फर्स्ट शॉर्ट नावल का? हैट बिट्रे क्रूड, इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? बिटर हर्ब्स इन इंग्लिश। ये जो नॉवल है ये क्या है बेटा? इज़ अ पेनफुल स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये क्या है बेटा? एक पेनफुल स्टोरी है किसकी? एक यंग गर्ल की, राइट? यंग गर्ल की क्या है? एक पेनफुल स्टोरी है। द नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इंटू सेवरल लैंग्वेजेस एंड मार्गा मिनको वॉज अवॉर्डेड द विजबर्ग प्राइज इन 1958, कि उनको 1958 में विजबर्ग प्राइज मिला था, राइट? ये हम अब तक क्या पढ़ा हमने? अपने ऑथर के बारे में, मीन्स जिसने ये लिखा है, और यही जो ऑथर है यही नैरेटर भी है, राइट बेटा? दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, राइट? लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर्स। The address. This story, short story, is a poignant account. Means एक sad moving है, okay? ये story क्या है? एक sad moving है. Account of a daughter who goes in search of her mother's belonging, जो कि कहाँ जाती है? अपनी mother's की belonging को search करने. After the war in Holland, Holland में war ख़त्म होने के बाद वो अपने कुछ सालों बाद वो अपने मदर की बिलोंगिंग्स के को सर्च करने जाती हैं। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो जब वो उन्हें मिलती हैं वो बिलोंगिंग्स, तो वो क्या है? द ऑब्जेक्ट इवोक, इवोक क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूस या अराउज मेमोरीज करती हैं जब उन चीज़ों को देखती हैं। और कौन सी मेमोरीज को? उनकी अर्ली लाइफ की, उनकी जो मदर, जो नैरेटर की मदर और उनके बीच जो भी बातें थी या जो भी मेमोरी थी वो सारी दोबारा से अराउज होती है। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड द रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, लेकिन आखिर में शी डिसाइड, ये डिसाइड करती है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगी पीछे और क्या करेगी? एंड रिजॉल्व्स मतलब क्या है बेटा? डिटरमिन कर लेती है, मीन्स पूरी, एक तो डिसाइड, एक है डिटरमिंड, यहाँ पर डिटरमिन वर्ड परफेक्ट है, कि वो डिटरमिन्स करती है, पक्का इरादा कर लेती है कि वो अपनी लाइफ को आगे मूव करेगी और वो पीछे पलट कर नहीं देखेगी, उसको उन बिलोंगिंग्स की ज़रूरत नहीं है, उसे वो सारा जो बिलोंगिंग्स है उसकी वो सब वो छोड़ देगी, राइट? तो वो यही डिसाइड करती है कि हम ये सब छोड़, मैं ये सब छोड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो यहाँ नैरेटर जो है
मार्गम इनको, वो जाती है किसी के घर पर और जाकर पूछ बोलती है कि क्या आप मुझे अभी भी पहचानती हो। द वुमेन लुकड एट मी सर्चिंगली, जो वुमेन है वो मेरी तरफ देखती है, सर्चिंगली मीन्स कि सर्च कर रही है, सर्चिंगली मतलब इंक्वायरिंगली कि भाई कौन है ये। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, वो हल्का सा क्या है दरवाज़ा खोलती है। चिंक मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, एक नैरो ओपनिंग, अ पीप होल कह सकते हैं, हल्का सा खोलती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ा उसके पास गई और स्टेप पे खड़ी हो गई, मीन्स डोर के यहाँ पर स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ खड़ी थी, उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो मैं एक स्टेप और आगे आ गई, राइट। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं नहीं जानती तुम्हें। तो आई एम मिसेज एस डॉटर, भी मैं ना मिसेज एस की डॉटर हूँ। डैट मीन्स यहाँ पर जो नैरेटर है उनकी मदर का नाम क्या है, मिसेज एस। तो शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो वो क्या करती हैं, हेल्ड कर देती हैं अपना हैंड, मीन्स स्टॉप कर देती हैं उनको, उसको ऑन द डोर पर ही, एज दो शी वॉन्टेड, कि वो प्रिवेंट स्टॉप करना चाहती है। प्रिवेंट मतलब क्या बेटा, स्टॉप करना चाहती है कि वो और ज़्यादा दरवाज़ा ना खोल दे। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, एब्सोल्युटली मीन्स कम्प्लीटली, कोई साइन ऑफ रिकग्निशन मीन्स पहचान करने की कोई साइन नहीं देता उसका चेहरा, उस लेडी का। एंड शी कैप्ट सर्चिंग एट मी इन साइलेंस, और चुपचाप मुझे बस स्टेयरिंग करती है, घूरती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, फिर मुझे लगता है हो सकता है कि मेरी गलती होगी, मैं गलत घर पे आ गई होंगी। तो ये बात वो बोलती हैं, ठीक है, कि हो सकता है भी ये कोई और हो, मैं नहीं, शायद आई थॉट, ये मैंने सोचा, परहैप्स इट इजेंट हर, हो सकता है ये उनका घर नहीं हो। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, कि मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था और वो भी फ्लीटिंगली देखा था। फ्लीटिंगली मतलब होता है कि फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए देखा था, और हो सकता है ये वो नहीं हो। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और कई साल हो गए इस बात को। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और ये मोस्ट प्रॉबेबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है दैट मैंने कोई गलत घर की बेल बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, जो वुमेन है उसने क्या किया, लेट गो ऑफ द डोर, डोर के थोड़ा साइड में चली गई वो, और स्टेप टू द साइड, ठीक है, और थोड़ी सी और साइड में चली गई, कि वो मतलब कि उन्हें वो देख ना पाए उसको। बट जब वो मूव करती है तो शी वॉज वियर, तो वो जो नैरेटर है वो देख लेती है कि उसने क्या पहना हुआ है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, भी ये तो मेरी देखो मदर का ना स्वेटर पहनी हुई है, ठीक है, लॉन्ग होता है उसे कार्डिगन कहते हैं, ठीक है, आगे बटन होते हैं उसमें। तो वो कहते हैं कि भई ये मेरी मदर का क्या है, ग्रीन नीटेड कार्डिगन पहनी हुई है, वो उस ड्रेस को पहचान लेती है। द वुडन बटन वर रैदर पील फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके वुडन बटन है कार्डिगन के, वो पहले से वॉश करने से क्या हो गए हैं, पेल हो गए हैं, बिल्कुल लाइट हो गए हैं। एंड शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और जैसे उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, एंड हाफ हिड हरसेल्फ, और थोड़ी और वो जाकर और आधी जाकर छिप गई दरवाजे के पीछे, अगेन बिहाइंड द डोर। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं ये जान गई थी कि मैं बिल्कुल सही थी, कि मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। ये बात मुझे यकीन हो गया था कि ये लेडी वही है जो मेरे घर आया करती थी। वेल यू न्यू माई मदर, अच्छा तो क्या आप मेरी माँ को जानती थी, आई आस्क्ड, हैव यू कम होम बैक, जैसे मैंने ये बात बोली तभी उन्होंने मुझे क्या कहा, अच्छा तुम वापस आ गए, सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा शायद कोई भी वापस नहीं आया होगा। हाँ ओनली मी, सिर्फ मैं आई हूँ और कोई नहीं आया वापस। द डोर ओपन्ड एंड क्लोज टू द पैसेज, अब जो डोर है वो थोड़ा सा खुलता है, अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे से ना एक डोर, कोई अंदर रूम होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। बिहाइंड हर अ मस्टी स्मेल, और वहाँ से क्या है, मस्टी स्मेल मीन्स बहुत ही बेकार स्मेल, ठीक है,
इमस्ट मीन्स ये कह सकते हो मस्टी स्मेल क्या होता है, स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, मीन्स सिलन भरी हुई स्मेल आती है. आई रिग्रेट, आई कांट डू एनी थिंग फॉर यू, भाई मुझे आई फील सॉरी दैट कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई. आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, भाई मैं ना स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, और आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं कुछ देर के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, भी अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंट मीन्स है कम्फर्टेबल नहीं है. सेड द वूमेन, आई कॉन्ट सी यू, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें से बात करने का, कम अनदर टाइम, ठीक है, कभी फिर आना. शी नोटेड एंड कॉशली डोर द क्लोज द डोर, वो सर हिलाती है, नोटेड करती है सर, एंड चुपचाप केयरफुली क्लोज द डोर, दरवाज़ा धीरे से बंद कर देती है, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि कोई भी जो घर में है वो डिस्टर्ब ना हो. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, लेकिन मैं जहाँ पर खड़ी थी, मीन्स नैरेटर जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, अब देखो बे विंडो क्या होता है ये समझने की जरूरत है. बे विंडो मीन्स अ लार्ज विंडो विद ग्लासेस ओपनिंग आउट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल, मीन्स कि बाहर खुलने वाली खिड़की को कहते हैं बेटा बे विंडो, ठीक है. वहाँ पर कोई कर्टेन मुझे मूवमेंट नज़र आई, एंड समवन स्टेड एट मी, और जैसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है. एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और डेफिनेटली किसी ने उस मिसेस डॉर उस वूमेन से पूछा होगा कि इन्हें क्या चाहिए, ठीक है, आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, कि भई इसके क्या चाहिए, कौन थी ये, तो उसने डेफिनेटली कहा होगा ओ नथिंग, कुछ नहीं है. द वुमेन वुड हैव सेड, डेफिनेटली कहा होगा इट वॉज नथिंग, वो कुछ नहीं थी. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैं दोबारा से उस नेम प्लेट को देखती है, मीन्स कि जो नैरेटर है वो दोबारा नेम प्लेट को देखती है, और क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग इट सेड, और किस में, ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था, ऑन वाइट एनिमल, एनिमल मीन्स क्या होता है बेटा, पेंट, ठीक है, एंड ऑन द जैम, जैम क्या होता है, मान लीजिए ये दरवाज़ा है और इसके चारों तरफ क्या होता है, लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है, इसको कहते हैं जैम, और जैम के ऊपर अ बिट हायर द नंबर 46, राइट. एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं ना वापस जा रही थी स्टेशन, क्योंकि अब तो उसने क्या दिया, अभी टाइम नहीं है फिर आना, तो वहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं वापस चली आई, ऐसा नैरेटर कह रहे हैं. एंड आई थॉट अबाउट माई मदर, और मैं अपनी मदर के बारे में सोचते सोचते स्टेशन पर जाने लगी. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था कई साल पहले. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये एड्रेस कब दिया था बेटा, जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट हाफ में ये दिया था, ठीक है, मीन्स ये लगा लो कि 1940 के आसपास, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने क्या किया था, 40-41 में उन्होंने क्या किया था, ये एड्रेस दिया था. इट आई वॉज होम फॉर अ, मैं उस टाइम में ना घर पर थी फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए. एंड इट स्ट्रक मी, ये सब बातें बदरा सोच रही है कि जब उस टाइम में जब घर पे थी तो इमिडिएटली डेट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, और मुझे सडनली ये स्ट्रक हुआ, ठीक है, मीन्स सडनली मेरे को ये नज़र आया, मीन्स केम टू माई माइंड, स्ट्रक मीन्स है केम टू माई माइंड दैट समथिंग और अदर, कि कुछ ना कुछ रूम में से मिसिंग हो रहा है, चेंज हुआ है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल बेटा थोड़ा समझा देती हूँ, आप डेली स्कूल से घर जाते हो तो आपको वो सब सेटिंग वही मिलती है, मीन्स सोफा होते हैं, बेड होते हैं, या कोई पोर्ट्रेट होती है, और जब आप जाओ किसी दिन और वहाँ पर वो पोर्ट्रेट नहीं है, या कोई वैश है वो हटा दिया वहाँ से, या अपना जो टीवी है पीछे से उसको सेल कर दिया, तो आपको जाते ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें थी, कुछ चेंज किया है. तो वैसे ही क्या है, उस रूम में जो चेंजेस थे उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करती है. एंड आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और भाई बहुत सारी चीज़ें जो मुझे दिख ही नहीं रही हैं जो थी पहले. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और जो मदर है मेरी, उनकी नरेटर की मदर का नाम क्या है बेटा, मिसेस एस, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, सरप्राइज्ड हो गई. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने कितनी जल्दी इन सब चीज़ों को नोटिस कर लिया, कि भाई तुम तो इतनी बड़ी नहीं हो, छोटी हो, और फिर भी तुमने इन तीन चीज़ों को नोट कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से कोई चीज़ें मिसिंग है. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और उसके बाद मुझे उसने एक लेडी के बारे में बताया. अब आपको पता तो लग चुका है यहाँ पर ही कि
जो जिसके घर वो गए हैं, वो लेडी का, लेडी जिससे वो बात कर रही थी उसका नाम क्या था? डॉर्लिंग, ठीक है। तो वो जो लेडी है उसके बारे में मुझे तब बताती हैं वो, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने तो कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था, बट अपरेंटली, अपरेंटली मीन्स क्लियरली बेटा, ठीक है, क्लियरली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? मीन्स जान पहचान, मीन्स अ नोन पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, कोई दूर के रिश्तेदार बोल सकते हो, या कोई हाँ जाना पहचाना। ऑफ माई मदर होम शी हैडन्ट सीन फॉर ईयर, जिनको उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था, एंड शी हैड सडनली, और तभी वो सडनली आती हैं, टर्न अप, टर्न अप मीन्स है बेटा केम सडनली, ठीक है, मीन्स वो आती हैं हमारे पास एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और दोबारा से अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यूड करती हैं, मीन्स स्टार्टेड अगेन, अगेन देयर कॉन्टैक्ट। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से वो रेगुलरली आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर, जब भी वो यहाँ से जाती, शी टेक्स समथिंग होम, कि कुछ ना कुछ वो अपने घर लेकर जाती थी विद हर, सेड माई मदर। ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी वो आती थी तो कुछ ना कुछ वो लेकर जाती थी, एंड शी टुक ऑल द सिल्वर, टेबल सिल्वर इन वन गो, कि एक बार में क्या है वो सारी की सारी टेबल सिल्वर लेकर गई थी, मीन्स इन वन गो मीन्स एट वन टाइम, ठीक है, एट वन टाइम, एक टाइम में वो सारी सिल्वर लेकर गई थी, टेबल सिल्वर स्पून लेकर गई थी, ठीक है, एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और उसके बाद एंटीक, एंटीक मतलब क्या होता है बेटा? वेरी ओल्ड, जो मुझे नॉर्मल कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो प्लेट लेकर गई थी। पेजेस, एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक, ये लाइन रह गई है, देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, जो वहाँ पर हंग हो रखी थी, ठीक है, उनको वो लेकर जाती हैं। फिर शी हैड ट्रबल लगिंग, मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग, उन्हें ले जाने में, उन लार्ज वेस्टेज को ले जाने में। क्वेश्चन ये आता है आपके में, इंपॉर्टेंट है ये आपका बेटा 2 मार्क्स में, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ लेकर जाती है, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो वो बता रही हैं कि लार्ज वेचेस लेकर गई, तो मीन्स कि उन्हें उसे कैरी करने में वो ड्रैग करके ले जा रही थी, बिल्कुल घसीट कर ले जा रही थी उन लार्ज वेचेस को। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक, और मुझे इस बात की चिंता थी कि वो बहुत ज़्यादा उनकी, क्रिक मतलब होता है सडन स्टिफनेस इन मसल्स, कि भाई उनकी कमर में कहीं स्टिफनेस ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि जो वेसेस थे, वेसेस मतलब क्या होते हैं बेटा? फ्लावर पोट्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, तो उन हो सकता है उनकी कमर में पेन हो जाए, ठीक है, इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, जो ये लेकर जा रही है इन स्पोर्ट ऑफ चाइना, ठीक है, इनकी मतलब कहते हैं ना चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो उन सब, उन सारे पोर्ट्स इतने जो हैवी थे उनको लेकर जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कहीं उनके बैक में क्रिक ना हो जाए। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, जो मेरी मदर है उन्होंने पैथेटिक मैनर से अपना सर हिलाया। आई वुड हैव नेवर हैव डेयर आस्ट हर, और क्या सर हिलाया उन्होंने, कि भी मैं कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे, भाई इतना भारी भारी सामान को कैसे ले जा सकती है, तो इसलिए मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई है ये बात पूछने की, भाई आप हमारे लिए जो बिलोंगिंग्स हैं इन्हें रख लो। हाँ, तो बल्कि उन्होंने ही मुझे ये ऑफ़र किया, उन्होंने, किसने? डॉर्लिंग ने ही मिसेस एस को ये ऑफ़र दिया, सजेस्ट किया कि मैं ये सारे लगेज रख लेती हूँ। एंड शी इवन इंसिस्टेड, और फिर उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया, मीन्स स्ट्रेस दिया कि भाई आप चिंता मत करो, मैं अपने पास इसको सेव करके रखूँगी। एंड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और इसीलिए वो मेरी सारी नाइस चीज़ों को क्या सेव करना चाह रही थी, क्योंकि वॉर में क्या वो उनकी सारी बिलोंगिंग्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसीलिए वो क्या करती है कि ऑफ़र देती है डॉर्लिंग कि भाई मैं ये सारा सामान आपके अपने पास सेव करके रखूँगी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरी थिंग, अगर हमें यहाँ से जाना है ना तो फिर डेफिनेटली हमें इन सब चीज़ों को लूज़ करना पड़ेगा। शी सेज़ कि भी अपनी अपनी जान बचाएंगे या इन चीज़ों की टेक केयर करेंगे, तो ये बात वो मदर डॉटर कर रहे हैं, मिसेज एस और नैरेटर, राइट बेटा? हैव यू एग्रीड
विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. क्या आप इस बात के लिए एग्री हो गए? चलो उन्होंने स्ट्रेस किया, आप उन्होंने कहा चलो मैं रख लूँ, पर आप मान गए इस बात के लिए? ये बात नरेटर ने पूछा अपनी मदर से. एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी था मेरा एग्री होना? भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो मैं क्या करती एग्री होकर भी. माई मदर क्राइड, जोर से बोलती है, ठीक है कि भाई मेरा एग्री होना क्या ज़रूरी है? भाई वो आगे से इतना अच्छा मतलब ऑफ़र दे रही हैं, तो मेरे एग्री होने से क्या मतलब है? यहाँ पर बेटा जो एग्रीड का मतलब यहाँ पर है कि भाई आपने मीन्स कहीं पर कुछ लिखा भी है कि आपने क्या क्या सामान दिया है उन्हें और वो क्या क्या लेकर गई हैं. मीन्स इस बात के लिए आप कैसे एग्री हो गए हो? मीन्स कि सिर्फ उसने बोला और आप मान गए? तो इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. अगर मैं इस तरीके से उनसे बात करूँगी तो ये ऐसा है क्या है भी वो हमें इस मुसीबत में हेल्प कर रही हैं और मैं उनसे उल्टा क्वेश्चन करूँ, तो फिर ये एक इंसल्ट नहीं है उनके लिए? एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और सोचो कितना ज़्यादा रिस्क वो कर रही है हमारी हेल्प करके. हम ज्यूज़ हैं, तो डॉर्लिंग क्या है बेटा? नॉन ज्यूज़ हैं, ओके? तो इसलिए वो उसकी हेल्प कर पा रही है क्योंकि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है. तो वो कहते हैं कि शी इज़ रनिंग एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आर डोर विद द फुल सूटकेस और बैग. कितना वो भारी भारी सूटकेस और बैग लेकर जा रही हैं, कितना रिस्क ले रही हैं वो ये सब ले जाने में. मतलब वो बहुत सिंपल तरीके से मिसेस एस अपनी डॉटर को समझाती हैं. तो माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट इट वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि जो मेरी मदर है उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड नहीं हुई हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, कन्विंस्ड मीन्स सेटिस्फाइड. तो सेटिस्फाइड नहीं हुई है. तो शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, दोबारा से रिबुकिंग करने के लिए डांटते हुए बोलती हैं वो, मेरी तरफ देखती हैं. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हम कुछ भी नहीं बात करते इस बारे में. मीनवाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, और यही सोचते सोचते मैं कहाँ पहुँच गई? स्टेशन में, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. रास्ते में मुझे जो भी चीज़ें दिखाई दी ना, उन पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया. ये याद पता ही नहीं मुझे कि रास्ते में मुझे कैसे क्या नज़र आई थी कोई चीज़ें, और मैं सिर्फ वो बातें सोचते सोचते स्टेशन तक पहुंच गई. आई वॉज वॉकिंग इन अ फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मीन्स वॉर के बाद पहली बार मैं दोबारा से वो जानी पहचानी जगहों से गुजरी थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of street and houses full of memories from a precious time. अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि walking in a familiar places again, भी वॉर के बाद मैं दोबारा से आई थी जानी पहचानी जगहों पर. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन, बट मैं नहीं जाना चाहती थी इधर उधर. बस मेरे को अपना स्टेशन से काम था डॉर्लिंग के घर तक, वहाँ तक गई और वापस स्टेशन पर आ गई. बट आई डिडन्ट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, जरूरत भी नहीं थी मुझे जाने की. आई डिडन्ट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को दुख नहीं देना चाहती थी. विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमरीज, मैं वो गली देखती, वो घर देखती, और उन्हें देखकर मुझे वो जो प्रीशियस टाइम है उनकी याद आती कि वो टाइम, तो वो सब यादें लाकर मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, तो इसलिए मैंने कुछ और नहीं सोचा. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग, भी फिर से जब मैं दोबारा से मुझे मिसेस डॉर्लिंग दिखी, मींस याद किया मैंने मिसेस डॉर्लिंग को इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. क्या याद आया मुझे कि मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार कब मिली थी? इट वाज द मॉर्निंग, ये सुबह की बात थी, आफ्टर द डे माय मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. जब मेरी और मेरी मदर की बात हुई और उन्होंने मुझे गुस्से में स्टॉप कर दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी इस बारे में, पर फिर भी मेरी मदर ने मुझे वहीं पर स्टॉप कह दिया कि भाई नहीं, आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे बीच बात नहीं हुई. तो अगले ही दिन मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर आती हैं. इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट.
तो आई गॉट अप लेट, मैं देर में उठी थी, और कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं नीचे गई, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी सम वन आउट, कि मेरी मदर किसी को छोड़ने जा रही है, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, मीन्स जो एक लेडी है, लेडी थी जिनको मैंने पीछे से देखा था, जिनका ब्रॉड बैक था, बहुत ही चौड़ी कमर थी, एंड देयर इज़ माई डॉटर. अब मेरी मदर ने क्या बोला कि देखो ये मेरी, वो मेरी डॉटर है, एंड शी बेकॉन्ड ऑन टू मी. और फिर उन्होंने क्या किया मेरी तरफ, गेव अ सिग्नल, ठीक है, टू मी, एक साइन दिया, मीन्स हेलो हाई किया. द वूमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. जो कोट रैक में जो उन्होंने अपना रखा हुआ था कोट, हैट रखा हुआ था, वो वहाँ से लेती हैं. रैक क्या होता है बेटा, एक फ्रेम ऑफ वुड बार्स यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स, ठीक है. तो वहाँ से वो लेती हैं अपने कोट को, ठीक है. एंड शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, और वहाँ से अपना शेपलेस हैट को लेती हैं और एक ब्राउन कोट को पहनती हैं. डज शी लिव फार अवे, तो मैंने उनसे पूछा क्या वो बहुत दूर रहती हैं. आई आस्क, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. भी इतने केस क्या होते हैं बेटा, बॉक्स, इतने भारी भारी वो बॉक्स लेकर जा रही हैं, क्या वो कहीं दूर रहती हैं क्या. फिर उन्होंने मुझे, मेरी मदर ने एड्रेस दिया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. बस तुम इसको याद रखो कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और उनके हाउस नंबर क्या है, 46, राइट बेटा. अब यहाँ पर है ना, मैं आज स्टॉप करती हूँ, राइट. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, लेट मी नो एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, एनी स्टोरी कंटेंट, लेट मी नो. ओके बेटा, गुड लक.